नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि जब भी हम लोग कोई भी नेक बैंड हो हमारे पास, ये बोट कंपनी का है, लेकिन अगर आपके पास कोई हल्की कंपनी का या अच्छी कंपनी का कोई भी नेक बैंड हो, उसको यूज़ करने का जो तरीका है ना दोस्तों, वो सबको नहीं पता है। जो भी लोग लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टाइम के लिए नेक बैंड को यूज़ करते हैं तो उनके कानों में प्रॉब्लम होने लग जाती है, यहाँ तक कि हियरिंग की प्रॉब्लम भी आने लग जाती है। लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमें नेक बैंड ही लेना पड़ता है बजाय इसके कि हम लोग जो TWS लें। तो इसको यूज़ करने का आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आपको ये कानों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। भले इसको 3 घंटे लगाओ, 4 घंटे लगाओ या फिर 5 घंटे लगाओ। तो देखो, एक तरफ से मैंने ये इसका जो हेडफोन का कैप है ये वाला, ये मैंने लगाया हुआ है और दूसरी तरफ का मैंने जो है ये उतारा हुआ है। इसका कारण यही है कि जब आप इसको कान में लगाते हो, इधर से लगाओगे तो आपको बाहर की जो नॉइस है वो भी प्रॉपरली सुनाई देगी, और इधर वाला लगाओगे तो आपको बाहर की नॉइस जो है वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। मोस्टली क्या होता है कि हम लोग एक तरफ का जो नेक बैंड का जो ईयरफोन है इसको हम लगा के रखते हैं, दोनों तरफ के नहीं लगाते हैं। तो जब आपको कोई सॉन्ग सुनना हो या कुछ सुनना हो तो एक तरफ से आप इसको बिना लगाए वाला लगा लें और एक तरफ से ये लगाया हुआ वाला लगा लें, आपको साउंड काफी अच्छी सुनाई देगी। चाहे आप बाइक पे जा रहे हो या फिर आप कहीं पे भी बैठे हुए, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं आने वाली है दोस्तों। तो आगे से जब भी आपने नेक बैंड लेना है तो ये, हाँ, म्यूजिक का मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो वायर वाले हेडफोन होते हैं और जो ये वाले वायरलेस नेक बैंड होते हैं ब्लूटूथ वाले, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो इनमें आपको म्यूजिक की क्वालिटी कभी भी उतनी अच्छी नहीं मिलने वाली जितनी कि आपको जो है वो वायर वाले हेडफोन में मिलेगी। तो म्यूजिक के साथ कंप्रोमाइज होता ही है इनके साथ। तो इसको आप इस तरीके से, बताए गए तरीके से यूज करोगे तो आपके कानों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हियरिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप इसको 7 से 8 घंटे भी अगर आप रोज लगाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको ये आइडिया कैसे लगा था, या फिर क्या आपको ये पहले आइडिया पता था इस तरह का। और साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। एक नई वीडियो में जल्दी फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।